हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये एप्पल का डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन से आप कुशन कवर, बेडशीट या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। बनाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे ये डिजाइन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करा करें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अच्छे अच्छे और भी नए नए डिजाइन ला पाएं आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं, डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन धोने के बाद वो हमारा कलर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो सारा डिजाइन हमारा खराब हो जाता है। तो ये कटिंग कर ली है। तो ये हमारे सेम साइज के पीसेस हैं। पीस मेजरमेंट में 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच, दो पीस है, ये भी दो पीस है 2.5 इंच के, ये चार पीस है, ये भी सेम साइज के हैं, ये 2 इंच है, यहाँ से भी 2 इंच है। सारे पीसेस सेम साइज के, दो व्हाइट कलर के, दो ग्रीन कलर के और चार रेड कलर के। पहले हमें इन पीसेस को रेडी करना है। ये चारों पीस इस तरह से रखेंगे, तो इसके हमें हाफ ट्रायंगल बनाने हैं। ये व्हाइट इसके ऊपर लगा देंगे। ये चारों पीस इस तरह से रख दिए हैं डबल डबल करके, जैसे यहाँ से हमें लाइन लगा लेनी है। इसके बाद जितना सिलाई के लिए कपड़ा रखते हैं उतना यहाँ से लाइन लगा लेंगे, और इस साइड में भी इतना ही लाइन लगा लेंगे। इसी तरह बाकी के पीस पे लाइन लगाएंगे। मार्किंग हो गई है, अब सिलाई करेंगे। तो ये साइड की लाइन है, यहाँ पर सिलाई करनी है दोनों साइडों में। सारे पीस इसी तरह सिलेंगे। सारे पीसेस सिल दिए हैं, तो ये पीस है जैसे इस तरह से अलग कर लेंगे, और यहाँ से इसे हमें कट कर लेना है सेंटर से, और इस तरह से इसे खोलना है और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। ये सारे पीस इसी तरह रेडी करेंगे। प्रेस करने के बाद ये कॉर्नर है, इस तरह से हमें इनको कट कर लेना है बराबर रख के। सारे पीस इसी तरह कट कर लेंगे। ये सारे पीस कट कर लिए हैं, चार ये हैं, ये चार हैं। अब ये पीस है, जैसे ये पीस हमारे इस पीस के बराबर हो गए हैं। इसके बाद ये पीस हैं, जैसे ये पीस मैं इस तरह से लगाऊंगी और ये पीस इसके साथ ऐसे लगेगा, और ये पीस भी ऐसे लगाएंगे। इसके बाद अब इनको सिल लेना है, जैसे ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ, इसी तरह ये सिलेंगे। दोनों पीस ये सेम इस तरह सिल दिए, अब इनको इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ पर सिल देना है, हमें ऐसे लगाना है। इसके बाद ये ग्रीन लगेगा और ये इस तरह से लगेगा, इस शेप में आएगा, इस तरह से बना आएगा, और ये ग्रीन हमारा ऐसे लगेगा, इस शेप में आएगा। ये पीस इस तरह से रखे हैं, इनको इसी तरह सिल देना है। ये दोनों सिल दिए हैं, अब इन दोनों को सिलना है, लेकिन ध्यान रखना है ये सिलाई हमारी बराबर आनी चाहिए। ये सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद हमें ये ग्रीन कलर की ये स्ट्रिप्स लेनी है। ये मैंने ली है 1.5 इंच और लंबे में इतनी लेनी है। अब इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है, और यहाँ से प्रेस भी करके फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर एक लगा देंगे, ये सेंटर में हमारा लगना चाहिए। ये स्ट्रिप्स लग गई है। इसके बाद हमें ये 2 इंच की ये स्ट्रिप्स लेनी है और लंबी इसके बराबर लेनी है। ये मैंने दो स्ट्रिप्स ली हैं, तो एक यहाँ पे लगेगी और ये दोनों हमारी यहाँ पे लग जाएंगी। इनको सिलना है यहाँ से। इसके बाद ये 2 इंच का पीस है, चौड़े में 2 इंच है यहाँ से, और इतना लेंगे हम यहाँ से। जैसे ये मैंने लिया है यहाँ से 6.5 इंच, ये इस तरह से यहाँ से सेंटर में आएगा, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे लगाएंगे सेंटर में। इसके बाद ये हाफ ट्रायंगल है रेड और वाइट कलर के, ये इस तरह से आएगा, और ये इस तरह से आएगा। अब इनको सिल देना है, जैसे ये पीस इसके साथ सिल देना है और ये इसके साथ सिल देंगे। ये पीस इसके साथ सिल के अटैच हो गए हैं। अब इन पीसेस को इस पीस के साथ यहाँ पर सिल देना है। इसके बाद ये 2-2 इंच के दो पीस हैं, इनको सिलना है, यहाँ से सिल देंगे। ये दो पीस सिल दिए हैं, अब ये दो पीस हैं, इनको इनके साथ सिलना है। इस डायरेक्शन में ऐसे रखना है, और ये दूसरा पीस भी इस डायरेक्शन में ऐसे आना चाहिए, इस तरह से।
अब इन दोनों को भी सिल देना है इसके साथ और ये इसके साथ सिल देंगे। ये पीस सिल दिए हैं। इसके बाद हमें ये वाइट पीस दो सारे पीस ज्वाइन कर दिए हैं। अब इन पीसीस को हमें यहाँ पर सिल देना है। ये स्ट्रिप्स भी लगा दी है तो इतना हमारा बन गया है। इसके बाद दो दो इंच का ये मैंने पीस लिया है, इसको हमें इस तरह से करना है और फिर से एक और फोल्डर लगा लेना है। तो यहाँ पे ये सिलाई की है लाइन, सेंटर है ये, यहाँ पर हमें इसे इस तरह से रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तरह से लगाया है। इसके बाद कॉर्नर का जो भी कपड़ा है हमारा बड़ा हुआ आगे पीछे हो जाता है सिलते टाइम, उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है चारों ओर से। सारे पीस ज्वाइन हो गए हैं, ये एप्पल की शेप आ गई है। इसके बाद हमें यहाँ पे दो दो इंच की स्ट्रिप्स लगा देनी है, ये भी दो इंच की है। ये इस तरह से लगाएंगे दोनों साइड में, उसके बाद हमें दोनों साइड में यहाँ पे लगा देनी है। चारों ओर दो इंच की स्ट्रिप्स लगा दी है तो हमारा ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये बना है 13 इंच इस मेजरमेंट में, यहाँ से भी 13 इंच है, 13x13 इंच का ये ब्लॉक बना है, डिज़ाइन बन गया है। इस डिज़ाइन से आप जैसे कुशन कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। तो कुशन कवर तो हमारा इसी से बन जाएगा, बेडशीट बनानी है तो इसी तरह के सेम साइज़ के हमें ब्लॉक्स बना लेने हैं और आगे आगे हमें ज्वाइन करते जाना है। तो बहुत ही सुंदर हमारी एक बेडशीट बनके रेडी हो जाएगी। डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।